ये क्लास सेकेंड के लिए जीके का सिलेबस है, सिल्वर ओलंपियाड के हम जीके के सिलेबस पहले देख रहे हैं। नंबर्स ऑफ क्वेश्चन 25 रहेंगे क्लास फर्स्ट एंड सेकेंड के लिए और टोटल मार्क्स 100 रहेंगे। ड्यूरेशन 40 मिनट्स का पेपर रहता है। क्वेश्चन पेपर क्लास स्पेसिफिक यूजुअली कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग सेक्शन। क्लास फर्स्ट टू फिफ्थ के लिए सेक्शन वन में जनरल अवेयरनेस से क्वेश्चन रहता है, सेक्शन टू स्कॉलर जोन से क्वेश्चन रहते हैं। चलिए अब इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन देखते हैं कि किस प्रकार के इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये हमारा है क्लास सेकेंड के लिए सैंपल पेपर, हम देख कर आए हैं। एक्चुअल जैसा कि पीछे आपने देख ही लिया है 25 क्वेश्चन है एंड टेस्ट पेपर 40 मिनट्स के। हाय गाइस, आई एम नीतू निगम एंड वेलकम टू माय चैनल माय पाठशाला बाय नीतू निगम। इससे पहले मैंने सिल्वर ओलंपियाड के मैथ, इंग्लिश, कंप्यूटर्स और साइंस के पेपर आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखा है तो उसे अवश्य देखें। अभी मैं क्लास सेकेंड के पेपर शेयर कर रही हूँ, नेक्स्ट उसके बाद हम क्लास थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ के भी शेयर करेंगे। अगर आपका बच्चा पर्टिकुलर किसी क्लास के वीडियो आप देखना चाहते हैं तो आप कमेंट में हमें लिखकर बताएं, उस क्लास के सैंपल पेपर और सिलेबस आपके लिए लेकर मैं आऊँगी। तो चलिए आज का क्वेश्चन पेपर स्टार्ट करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग नेबरिंग कंट्री इन इंडिया, ए नेपाल, बी थाईलैंड, सी ईरान और डी अमेरिका। तो करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, ए इज द नेबर कंट्री ऑफ इंडिया। नंबर Which one of the following planet is the biggest planet in our universe? Universe का सबसे बड़ा planet कौन सा है? A. Earth, B. Jupiter, C. Mars and D. Venus. Correct answer है option B. Jupiter. Next question number 3. People are known by their places. For example, people to Mumbai are called Mumbaikers. According to people, Delhi are called क्या होगा? मुंबई में रहने वाले लोगों को Mumbaikers कहा जाता है और कौनडे इसी प्रकार दिल्ली में रहने वाले लोगों को क्या कहा जाएगा? A. Delhiians, B. Delhiis, C. Delhiikers and D. Delhiians. तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर ऑप्शन बी, डेलिटर्स। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, डेलिटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4th। हाउ मेनी आयरन्स आर देयर इन नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया? हाउ मेनी लाइन्स आर देयर इन नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया? नेशनल एम्बलम जो बने होते हैं उसके अंदर कितनी लाइन्स होती हैं? ए टू, बी थ्री, सी फोर एंड डी फाइव। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, फोर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। विच इज द इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेटेड? किस दिन हम नेशनल योगा डे सेलिब्रेट करते हैं? ए 5th जून, बी 8th मार्च, सी 21st मई एंड डी 21st जून। करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, 21st जून। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। मू इज द साउंड ऑफ, किसके इनमें से कौन सा एनिमल है जिसका साउंड जो है मुंह होता है? ए टाइगर, बी काउ, सी गोट या डी शार्क। करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, काउ। नंबर 7। व्हाट डज अ बार्बर अर्न हिज लाइवलीहुड? बार्बर अपने जीवन को व्यतीत करने के लिए क्या करता है, कमाने के लिए क्या करता है? ए बाय ईज, बी बाय मेंडिंग शू, सी बाय कटिंग हेयर या डी मेकिंग पॉट्स। करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, बाय कटिंग हेयर, वो बाल की कटिंग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। आगरा इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस प्लेस इन द वर्ल्ड। आगरा जो है वर्ल्ड का बहुत ही फेमस जगह है, प्लेसेस है।
Why this city is so famous? ये सिटी क्यों फेमस है? A because of leather, leather के कारण. B because of mental hospital. C because of its paper. या D because of the ताजमहल. तो आगरा सिटी किस लिए फेमस है? तो आगरा सिटी फेमस है बिकॉज ऑफ ताजमहल. ताजमहल के कारण आगरा सिटी फेमस है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9. हाउ मेनी कॉन्टिनेंट आर देयर इन द वर्ल्ड? वर्ल्ड में कितने कॉन्टिनेंट होते हैं? कॉन्टिनेंट्स कितने होते हैं? A 4, B 5, C 6, D 7. करेक्ट आंसर है ऑप्शन D 7. क्वेश्चन नंबर 10. दिस इज द गेम इन विच देयर आर 11 प्लेयर इन ईच टीम. बैट एंड बॉल आर टू थिंग्स देयर आर यूज्ड अलोंग विद देयर थिंग्स इन दिस गेम. आइडेंटिफाई द गेम. एक ऐसा गेम जिसमें 11 प्लेयर्स दोनों टीम से होते हैं और उनके साथ बैट और बल्ला दो चीज़ें होती है जिसका यूज करके वो आपस में गेम खेलते हैं. तो आपको इसमें से पहचानना है उस गेम का नाम क्या है. ए क्रिकेट, बी फुटबॉल, सी वॉलीबॉल या डी बास्केटबॉल. करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए क्रिकेट. तो ये थे सिल्वर जोन ओलंपियाड के जीके के क्वेश्चंस पेपर. तो आई होप ये आपको पसंद आए हो. प्लीज़ इसी प्रकार के एजुकेशनल वीडियो देखने के लिए हमारे साथ बने रहें. थैंक यू.